हाउसिंग बोर्ड ने जयपुर के प्रतापनगर इलाके में बड़ी कार्रवाई की और 9 बीघा 5 बिस्वा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाते हुए कब्जे में लिया है। कब्जे में ली गई जमीन का बाजार मूल्य 250 करोड़ रुपए है। ये रिपोर्ट देखिए। हाउसिंग बोर्ड ने अपनी जमीनों को कोर्ट में चल रही विवादों से मुक्त कराकर कब्जा लेने का जो अभियान चलाया है, उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए हाउसिंग बोर्ड ने आज प्रतापनगर इलाके में जयपुर की सबसे प्रमुख महल रोड के नजदीक 9 बीघा 5 बिस्वा जमीन से अतिक्रमण हटाकर उसे कब्जे में लिया है। हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा खुद कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहे। जयपुर पुलिस के सहयोग से हुई कार्रवाई के बाद हाउसिंग बोर्ड ने कब्जे में ली गई जमीन पर अपनी संपत्ति के बोर्ड भी लगा दिए। इस जमीन की बाजार कीमत करीब 250 करोड़ रुपए है। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि इस जमीन का मामला काफी समय से कोर्ट में लंबित था। हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को हाउसिंग बोर्ड के पक्ष में फैसला देते हुए सभी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हाउसिंग बोर्ड ने आज कुल 24,000 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा लिया है, जिसमें 10,000 वर्ग मीटर जमीन आवासीय है तो वहीं 14,000 वर्ग मीटर जमीन व्यावसायिक है। 1990 में करीब 20,000 बीघा जमीन अवाप्त की गई थी और 1994 में इस जमीन का अवार्ड हो गया था और 2009 में हाउसिंग बोर्ड ने इस जमीन का मुआवजा न्यायालय में जमा करा दिया था। बाकी सारी जमीन का कब्जा हाउसिंग बोर्ड ने ले लिया था, लेकिन ये करीब 9 बीघा और 5.5 बिस्वा जमीन थी जिसको एक काश्तकार सन 2014 से अलग अलग न्यायालयों में जाकर के कभी कोर्ट से ले लेते थे, कभी कोई और आपत्ति कर देते थे, तो ये मसला अटका हुआ चल रहा था 2014 से। आज करीब 7 साल बाद हमने काफ़ी प्रयास किया, इसमें हमारे वकीलों की टीम को तैयार किया और पूरा प्रयास करके अभी 17 नवंबर को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से इनकी रिट खारिज हो गई और कोर्ट ने कह दिया कि हाउसिंग बोर्ड ने पहले ही पेपर पोजीशन ले लिया है, वो सही है और उस कोर्ट केस के बाद निर्णय के बाद इन लोगों को भी समझाइश हमने करी है और इन लोगों ने आज मुझे एक एफिडेविट लिख के दे दिया है कि ये न्यायालय का निर्णय की पालना करने के लिए स्वयं तैयार है, तो अब फर्दर डीबी में नहीं जाएंगे। हाउसिंग बोर्ड प्रतापनगर में आज जिस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है उसका मुआवजा हाउसिंग बोर्ड 2009 में ही कोर्ट में जमा करा चुका है, लेकिन मिथ्या तथ्यों के आधार पर काश्तकारों ने इस जमीन को लेकर कई याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की, जिसके बाद जमीन पर अतिक्रमण हो गया। लेकिन बीते कुछ महीनों में हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर के निर्देशों के बाद हाउसिंग बोर्ड के अधिवक्ताओं ने इस जमीन से जुड़े नए तथ्य कोर्ट के सामने रखे और प्रभावी पैरवी कर फैसला हाउसिंग बोर्ड के पक्ष में कराया गया। 250 करोड़ रुपए बाजार मूल्य की जमीन हाउसिंग बोर्ड को मिलना बोर्ड के लिए काफी अच्छे संकेत है। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि अब इस जमीन की अच्छी प्लानिंग करने के बाद इसका ऑक्शन किया जाएगा। इसमें करीब करीब 10,000 मीटर जमीन तो आवासीय नेचर की है और 14,000 मीटर जमीन व्यावसायिक नेचर की है जो बहुत ही कीमती है, तो अब हम इसकी पूरी प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करके इसको ऑक्शन करेंगे और अभी महल रोड पे हमने पहले भी ऑक्शन किए हैं, उनमें प्रोजेक्ट्स आ गए हैं और चौपाटी यहाँ पास में है तो उसका भी एडवांटेज हाउसिंग बोर्ड को मिलेगा। सरकारी संस्थानों से जुड़ी जमीन का विवाद अगर एक बार कोर्ट में चला जाए तो ऐसे विवाद लंबे समय तक तारीखों में उलझे रहते हैं और सरकारी संस्थाएं ऐसी जमीनों पर कब्जा नहीं ले पाती, लेकिन हाउसिंग बोर्ड ने एक बार फिर दूसरे विभागों के लिए मिसाल पेश करते हुए एक बेशकीमती जमीन को कोर्ट की तारीख से मुक्त कराकर उस पर कब्जा लिया है। शिवेंद्र सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।